अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, कैसे हैं सारे दोस्त? वेल जनाब, तुर्की की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। मैं अपने पिछले 5-6 साल से जो मेरे ब्लॉग्स हैं, मैं मुसलसल उनमें वॉर्न करता आ रहा था, बताता आ रहा था आप लोगों को भी कि बिला वजह ट्रॉलियाँ भर भर के तुर्की में ना पहुँचें। अब वो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर इन फ्रॉड एजेंटों के हाथ चढ़ के ख्वार हुए थे, उनको भी डीपोर्ट किया जा रहा है, बिकॉज किसी का ओवरस्टे और इलीगल एंट्रीज और ये सारा कुछ जो चल रहा था, टीआरसी के ऊपर स्टे लिए हुए थे, टीआरसी बने नहीं। मैं पिछले मतलब लाइक स्पेसिफिकली 3 साल से मना कर रहा था कि अब तुर्की में टीआरसी के लिए, जॉब्स के लिए आप लोग नहीं आओ, लेकिन एजेंटों को पैसा देते रहे आप लोग, यहाँ आते रहे, घर छोड़ा, प्रॉपर्टीज़ बेची, प्लॉट बेचे, गाड़ियाँ बेची, कारोबार चलते बंद करके, जॉब चलती करते छोड़ के आप लोग यहाँ पे आए थे, और अब वो सब वापस जा रहे हैं। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है और जो फ्रॉड एजेंट्स हैं उनको पकड़ना शुरू किया है। अब बहुत सारे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ये लगता था शायद मैं उनके रिज़्क पे टांग मार रहा हूँ। कभी भी मेरा ये मोटिव नहीं था, कभी भी ये सोच नहीं थी। बात सिर्फ मैं इतनी कहता था कि यार ये टीआरसी के नाम पर, वर्क परमिट्स के नाम पर लोगों को लूटना छोड़ दें, ये मुकाफात अमल है, एट द एंड आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है तो बददुआएं हैं, अगर आप किसी के साथ नेकी की है तो दुआएं हैं। अब टर्किश गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक एक ए से स्टार्ट करके जेड तक सफाई स्टार्ट कर दी उन्होंने। पिछले 1-1.5 साल से मैं कंटिन्यूस वीडियोस दे रहा था कि यार जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, तो आप आके क्या करोगे? फेक वर्क परमिट्स के ऊपर यहाँ लोगों को बुलाया जा रहा था, टीआरसी का दे के और जॉब्स का लालच दे के यहाँ पे बुलाया जा रहा था, अब वो सबको निकाला जा रहा है। ठीक है, अब आप बहुत से दोस्त हैं जो तुर्की के खिलाफ वीडियोज डालना शुरू कर देंगे और डाल रहे भी हैं। यार एवरी गवर्नमेंट, एवरी कंट्री हैज़ द राइट कि वो किन को रखे किन को ना रखे। 90% लोग वो थे जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए और उन्होंने यहाँ पर टीआरसी स्टैंड फॉर टूरिस्टिक रेजिडेंसी ना, आप उन्हें गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं जी हमें रिहाइश चाहिए है, हम और तुर्की देखना चाह रहे हैं। सादे लफ्ज़ों में अगर मैं टीआरसी की रेजिडेंसी की तशरीह करूँ, शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी की, तो आप सैर करने के लिए आए थे और आपने गवर्नमेंट से कहा जी हम थोड़ा सा और घूमना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने आपको 6 माह का, साल का, समटाइम 2 साल का भी काट दिया। कितना को तुर्की देखना सी तुसी? और अनफॉर्चुनेट सी बात थी, कोई डॉक्टर आया, कोई इंजीनियर आया, कोई स्टूडेंट आया, कुछ भी था, जैसे भी था, पीएचडी किए हुए लोग भी, इन्होंने आके सिर्फ एजेंटियाँ की यहाँ पे तुर्की में आके, इन्होंने सिर्फ एजेंटियाँ की। गाहे बगाहे मैं थोड़ा कोशिश करता रहा आप लोगों को एजुकेट करने की, बताने की, थोड़ा अवेयरनेस देने की कि यार ये सारे काम छोड़ दें, मतलब कोई और कारोबार करते, बिजनेस खड़ा करते। तुर्की मतलब 100+ कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर कारोबार करने वालों के लिए। आप 2014-15 से मेरी वीडियो उठा के देख लें यूट्यूब के ऊपर, मैं एक ही बात कहता आ रहा था कि आप लोग यहाँ कारोबार करने के लिए आ रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। नौकरी के लिए और इमिग्रेशन के लिए तुर्की इज़ नॉट अ गुड कंट्री, ये मतलब थोड़े पैसों वाले लोगों के लिए नहीं है। हाँ, आप आएँ, घूमें फिरें, टूरिज़्म करें, इंतहाई शानदार मुल्क है। मुझे 9-10 साल हो गए यहाँ पर, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह सुनने को मिलती हैं जो बंदा कहता है अच्छा यार मैं प्लान कर लेता हूँ अपने गूगल मैप के ऊपर कि हाँ यार ये सेव कर लेता हूँ टू फॉर विजिट। अभी भी यानी इतने अरसे में भी नहीं देख सके, थोड़ी मतलब मसरूफियत भी रहती है, सारा कुछ है। खैर वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे, बहुत सारे दोस्तों को पकड़ा जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, दुख होता है क्योंकि बात सुनने में क्या आती है कि पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तानी फ्रॉडिया, पाकिस्तानी लड़कों की लड़ाई, पाकिस्तानी पाकिस्तानी। वो कभी भी स्पेसिफिक मिस्टर ए बी सी एक्स वाई जेड को नहीं कहा जाता, डिस्क्लेमर क्या आता है जी पाकिस्तानी एजेंट। बहुत सारे लोग आज की डेट में भी कॉल्स करते हैं, मुझे पूछते हैं जी हमने असाइलम लेना है, टीआरसी नहीं मिल रही, ओवर स्टे मतलब स्टे पेपर नहीं बन रहा था, हमने असाइलम लेना है। सारे रास्ते पता थे मुझे, कभी किसी को नहीं बताया, कभी कोई एक सिंगल केस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं है कि मैंने किसी को टीआरसी बनाई हो, पैसा ज्यादा लिया हो, किसी को वर्क परमिट के लिए लालच दिया हो। अब फॉरेन के भी कोई वर्क परमिट बाहर की कंट्रीज के भी आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक आध दिन वीडियो आई, वर्क परमिट्स हुए या नहीं हुए अगले दिन मैं उसको डिलीट कर देता था, बिकॉज मेरा मकसद कमाई करना नहीं था, कोशिश थी कि मेरे अपने जो कंट्री मैन थे उनके चलो को भला हो जाए, लेकिन इस चीज को कभी भी बिजनेस के तौर पर नहीं लिया। अभी आप एक देखें क्या माहौल बन गया, आपको उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, डीपोर्ट किया जा रहा है, आप अपने मुल्क की बदनामी का बायस बने हैं। बहुत सारे दोस्त गालम गलोच के हद तक उतर आते हैं, मैंने कभी ये चीज़ पहले नहीं वीडियोस में बताई। आई एम द पर्सन, मुझे 2018 के बाद लोगों ने गालियां तक देनी शुरू कर दी थी जब मैंने 100 लीरा पे टीआरसी कर दी ना, सिर्फ इस एजेंट माफिया को थोड़ा रजिस्ट करने के लिए। मुझे कॉल्स करके कईयों ने कहा तेन चुका लेना है, तेन मार देना है, एनजीओ देना है, फलां हो जाना है, बुलशिट, क्या कर लिया आपने? आज भी मैं इधर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये एजेंटियाँ, ये चीज़ें, ये सिर्फ नुकसान देती हैं एट द एंड। आपने मतलब इन एजेंटों ने लोगों की बदवाएँ ली, हासिल क्या किया? बदनामी, अपनी भी अपने मुल्क की भी।
अब जब यहां से उठा के आपको पाकिस्तान फेंका जाएगा, आप तो जलील होंगे, ख्वार होंगे ही, लेकिन वो लोग जो आपकी वजह से ख्वार हो रहे हैं, जिन्होंने आके यहाँ ऐसी प्रॉपर्टीज बाय कर ली जिनका कोई फायदा नहीं हुआ, जिनकी रेजिडेंसियां कैंसिल हुई, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को पक्का पकड़ लेना और फिर कारोबार के उसमें ले आना, लाइक आई एम स्पीचलेस। बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छे भी थे, अच्छा काम भी कर रहे थे, वो भी इस रगड़े में आएंगे, सबको पूछा जाएगा, सबसे डिटेल दूंगी, होगा क्या इस सख्ती में, इस रगड़े में हर वो बंदा आएगा जिसने जंटियां की थी, हर वो बंदा आएगा जिसने जंटियां की थी। बहुत दफ़ा वेरिफिकेशन होती हैं, पूछते हैं, बताया जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने सच कहा हुआ है तो आप कामयाब हैं, अगर आपने झूठ बोला हुआ है तो आपको यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कभी भी कि आपने कोई नेकी कर रखी है या बुराई कर रखी है, आपकी कंप्लेन आ गई आप उस चीज़ में पकड़े जाते हो। बहुत सारी चीज़ें, लोग अच्छा काम भी कर रहे थे, बुरा काम भी कर रहे थे, लेकिन यार ये नहीं होना चाहिए ओ तू। अल्टीमेटली ये चीज़ आपको लेके जाती है, अगेन वही एक ही पॉइंट आ जाता है कि जी पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने मेरे पे वीडियोस बनाई, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी थ्री स्टोजेस, वो नमूने इकट्ठे हुए थे एक पाकिस्तान से, दो दुबई से, और उसमें सिर्फ ये था कि उस दुबई वाले भाई को मैंने मना कर दिया था, मियां बीवी को, कि यार यहाँ जॉब्स के लिए नहीं है, वापस चले जाओ, यहाँ पे आपको काम नहीं मिलेगा, तो वो गुस्सा कर गए थे। और फिर एक और नमूना आया हुआ था पाकिस्तान से, उसके साथ बैठ के वो वीडियोस बनाते थे और गलत जुबान भी यूज़ करते थे। कहाँ है वो लोग आज? जंटी नहीं चलती, हमेशा खड़ा वही रहेगा जिसके पल्ले कुछ होगा। एक बंदा बुरसा में बैठा हुआ है, मैं गाहे बगाहे बार बार मना कर रहा हूँ, मैं नाम भी ले लूँ तो हर्ज नहीं है, हसनैन नाम का जो बंदा है, मतलब वो लोगों को आज भी कह रहा है जी $700 ले आओ, $800 ले आओ, $1000 साढ़ा कार्ड बन जाएगा। नहीं बनता यार, गवर्नमेंट बोल रही है कि $200,000 की रेजिडेंसी होगी, इससे कम नहीं, तो आप कैसे कह, मतलब डजंट मेक सेंस। उस बंदे ने कॉपियां कार्ड रख रख के लैपटॉप के ऊपर वो किया हुआ है, आने वाले दिनों में पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह ताला। शॉर्ट टाइम, मैंने आज से 6 माह पहले कहा था कि ये बंदा अगले साल शायद नजर भी ना आए, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। मतलब मुझे किसी को पर्सनल राइवलरी नहीं है यार, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने कंट्रीमैन की मदद की होती, उनकी हेल्प की होती, उनको सही रास्ता दिखाया होता, तो आज वो भी ख्वार नहीं हो रहे होते और आप भी बदवाएं नहीं ले रहे होते। ये आने वाले दिनों में मजीद सख्ती बढ़ेगी, क्या होगा कैसे होगा। अभी बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लिटरली वो यहाँ तुर्की से डेलीगेशन लेके गए, उन्होंने वहां पर वर्क परमिट्स के सेमिनार करा दिए कि तुर्की में जी फलां फैक्ट्री में वर्क परमिट है, फलां में। मैं 150 वीडियोस डाली होंगी अपने यूट्यूब चैनल पे और टिकटॉक पे कि ये सब फ्रॉड है, तुर्की में वर्क परमिट्स वाली ये स्टोरी है जो ये लोग कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने एक वेबसाइट बकायदा डाल दी कि यार इस वेबसाइट पर जाके जॉब ढूंढो, अगर आपको जॉब मिले वो आपको वर्क वीजा भी देंगे, उसके ऊपर आए, अदरवाइज ये जंटों को पैसा देके मत आओ। इसके बावजूद लोग आए, हमारे बच्चे 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 लाख रुपए पे करके आए हैं, हुआ क्या? आज वो या तो इलीगल स्टे पे हैं यहाँ पे, या वो वापस चले गए 16-17 लाख रुपया लगा के, घर वालों का पैसा उजाड़ के। यही इतने पैसे थे पाकिस्तान में, 10-12 शौरमे के पॉइंट खोल लिए होते, बर्गर पॉइंट, फास्ट फूड पॉइंट खोल लिए होते, वाटर फिल्टर प्लांट, यानी लाखों कारोबार हैं यार जो आप पाकिस्तान में कर सकते थे, लेकिन आपने इन जंटों को पैसे भरा और फिर आप 6-7 माह जाया करके वापस चले गए। क्या हासिल हुआ? नथिंग। बहरहाल एक बड़ा तगड़ा क्रैकडाउन चल रहा है और आई स्ट्रांगली विश, अल्लाह करे कि ये जितने भी लोग जिन्होंने लोगों के बदवाएं ली हैं, लोगों से ज्यादती की हैं, सारे इस रगड़े में आए, और जो कोई अच्छा काम कर रहे हैं आई स्ट्रांगली विश कि अल्लाह उनके लिए आसानी वाला मामला भी करे, और ये जो एक हल्ला चल रहा है इसमें जो है एट द एंड टर्किश गवर्नमेंट विन करे। मैं बींग ए नेशनल मैं ये भी कहूँगा कि और अपने कंट्री मैन के लिए दुआ करूंगा कि ये अगर जितना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक कंसोर्शियम बना रही है इन चीज़ों के अगेंस्ट, तो आई स्ट्रॉन्गली विश कि टर्किश गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो और ये जो रंग बिरंगी फिल्में इकट्ठी हो जाती हैं तुर्की में, ये मामला ख़त्म हो और जो तुर्की की साख बेसिकली जो दुनिया में ख़राब होती है इन इलीगल्स की वजह से, वो भी ठीक है पैसा कमाने के लिए आप आते हो, लेकिन पैसा कमाने के सीधे रास्ते भी हैं, तो वो बजाय कि आप अपने मुल्क को बदनाम करें, और फिर तुर्की से जब आप लोग आगे जाते हो, तुर्की बदनाम होता है कि यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, तुर्की का एक मतलब एक तरह से डार्क फेस पेश करने वाले लोगों में हम भी शामिल हैं कि यहाँ से फिर इलीगल जब आगे जाते हैं यूरोप में, ग्रीस में, बुल्गारिया में या और कंट्रीज़ में, तो पता लगता है जी ये तुर्की से, रास्ता तो ये बताते हो ना आपके, तुर्की से पकड़ेंगे या तुर्की बॉर्डर से पकड़ेंगे, तो पाकिस्तान तो बदनाम हुआ कि आप पाकिस्तानी हो, साथ तुर्की भी बदनाम हुआ कि आप वहाँ से निकल के आए हो, यानी आप एक अच्छे दोस्त मुल्क को अपने साथ ताल्लुक ख़राब करने की वजह भी बनते हैं। आई होप कि दोस्तों को मेरी बात समझ आई होगी, ये करंट अपडेट्स हैं। लास्ट में फिर वही बात, कोई वर्क परमिट नहीं मिल रहा, कोई TRC नहीं बन रही, कोई जॉब्स यहाँ पर उस तरह से रोल नहीं पड़ी हुई,
ये एक मुहिब वतन मुल्क है, बड़े पेट्रोटिज्म वाले लोग हैं, ये ना तो फेक इलेक्शन मानते हैं ना इस तरह की स्टोरीज में आते हैं, ठीक है, जो हमारे मुल्क में चल रहा है। मैं अपने मुल्क के लिए दुआई कर सकता हूँ। बड़ा सिंपल सा हल है, आपको को वर्क परमिट, जेन्युइन कंपनी आप खुद अप्लाई करें वो बुलाए तो और बात है, ये जो एजेंट वहां पर सेमिनार करके आपको वर्क परमिट बेच रहे हैं ये गलत है। अगर तुर्की से आपको कोई वर्क जॉब मिलेगी, वर्क परमिट मिलेगा, तो उसका कोई पैसे नहीं है, उसकी एक फीस है 6-7 हज़ार लेना, वो आप यहाँ आके पे करेंगे, या थोड़ी बढ़ गई होगी तो 10 पे चली गई होगी, लेकिन ये जो लाखों रुपया दे के पाकिस्तान में आप आ रहे हो इससे आप बचो, टोटली नुकसान है। माजरत, बहुत सारे लोग पूछते हैं तुर्की लिरा कब बेहतर होगा। मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि ये लिरा बेहतर हो, तुर्की की इकॉनमी स्ट्रेंथन हो इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये यूरोप में कब जाएगा। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नाउ, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा ये यूरोप ने देखना है या तुर्किश गवर्नमेंट ने देखना है, कि उनकी आपस में टर्म्स कंडीशंस क्या चल रही हैं, किस तरह से ये मामला बेहतर हो सकते हैं। तो ये एजेंटों के कहने पर नहीं चलते मामला। मैं भी अगर कोई बात करता हूँ तो एक असेसमेंट होती है, एक रीडिंग होती है मार्केट को देखते हुए, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनको देखते हुए कि क्या होगा। बहरहाल ये फ्रॉड एजेंटों से बचें, कोई टीआरसी के लिए पैसा मत भरें, किसी को वर्क परमिट्स के लिए पैसा ना भरें। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ ये बातें यार, और मतलब एक दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा जी आपने तो मज़े लगे ने तो बाकी हमसे मना कर दो, तो भाई मैंने यहाँ कमाया और यहीं पर लगाया हुआ है, मैंने यहाँ कमाया और यहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर जाके सहूलतें मिली हुई हैं, फिर जाके ये मज़े लगे हुए हैं, ये मज़े लगने के लिए 10 साल ज़ाया किए हैं यहाँ पे। आप अगर सोच रहे हो कि आज के दिन में किसी एजेंट को पैसे दे के आके यहाँ सेटल हो जाएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, खाम ख्याली है। बहरहाल एक बड़ा तगड़ा क्रैकडाउन चल रहा है इलीगल लोगों के ऊपर, ओवर स्टे लोगों के ऊपर, जिन्होंने बिला वजह के स्टे लिए हुए थे टीआरसी कैंसिल होने पर, उन लोगों के अगेंस्ट, फेक लोग यहाँ पर स्टूडेंट रेजिडेंसियाँ बना के बैठे हुए थे, फेक मेडिकल लीवे लेके बैठे हुए थे, वो सब सफाई हो रही है। और ये ऑपरेशन कब ख़त्म होता है, किस तरफ जाके खत्म होता है, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आई होप बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर की होंगी, दुआओं में याद रखें, और जिनकी दिल आजारी होती है मेरी बातों से, मैं बड़ी तगड़ी सीधी साफ सी बातें करता हूँ यार, आई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, रियलिटी यही है, ये बदलेगी नहीं। आप यही बातें हैं, अल्फाज को थोड़े इधर उधर होंगे, यही बातें मैं आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले भी कर चुका हूँ, और यही अभी भी कंटिन्यूस करनी पड़ती हैं आपको अपडेट रखने के लिए। आप लोग अगर इन एजेंटों के पास आके पैसा भरते हैं, यही चीज़ें मैं कह रहा था तो मुझे भी पैसे ही आते ना, लेकिन नहीं कमाए, नहीं किया, कि बदवाएं हैं सारी, नहीं होगा, नहीं हुआ, एंड एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ, आप सब वापस जा रहे हो। जो वापस पहुंच रहे हैं बताएं जाके लोगों को रियलिटी क्या है। बड़ा खूबसूरत मुल्क है लेकिन ये ना तो यूरोप है ना इंग्लिश कंट्रीज है, उतना आसान नहीं है यहाँ पर सेटल होना। इनके अपने अंदरूनी मामला उस तरह के हैं कि इनको थोड़ा कूप करने में मुश्किल हुई है, लेकिन चूंकि एक स्ट्रांग नेशन है, बड़े तगड़ी कौम है, तो ये लोग निकल जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, ये हम अपने मुल्क के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, जो लोग मुश्किल में हैं उनके लिए भी दुआ है, और जिनकी वजह से सब मुश्किल में हैं उनके लिए कोई दुआ नहीं है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।